4.5 वर्ष पहले दुर्ग की जनता ने जिसे अपना जनप्रतिनिधि चुना, अपना सर्वमत देकर विजयी बनाकर दुर्ग के विकास और कल्याण की आस लगाई, उस जनता को 4.5 साल में विधायक ने आखिर दिया क्या। भाजपा के दुर्ग जिला उपाध्यक्ष KS चौहान ने कहा कि आज दुर्ग की जनता पूछ रही है कि कहाँ है पेयजल व्यवस्था, कहाँ है वाटर फिल्टर प्लांट, कहाँ है विकास के कार्य, कहाँ है ठगड़ा बांध तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य, कहाँ है वे सब वायदे जो विधायक ने चुनाव जीतने से पहले दुर्ग की जनता से किए थे। आज से 4.5 साल पहले जिसे जनता ने अपना आशीर्वाद देके विधायक बनाया, जनप्रतिनिधि बनाया, वो जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कोई भी यादगार काम तो किया नहीं। ये 4.5 साल निकल गए और आपने विधायक का कौन सा कर्तव्य निभाया? सिर्फ चाय पिलाई है अपने घर में और कुछ नहीं किया, ना कोई काम करवाया, ना कुछ ऐसा आंदोलन करवाया कि हमारे दुर्ग का कल्याण ज्यादा हो सके। उल्टा, जितना राज्य सरकार से बजट आता है वो दूसरे राज्यों में ज्यादा, दूसरे जिलों में ज्यादा जाता है, दुर्ग में कम आता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये नाकामी है। आपका पेयजल की व्यवस्था कहाँ पर है? आपकी ठगड़ा बांध की व्यवस्था कहाँ पर है? आपका वाटर फिल्टर प्लांट कहाँ पर है? आपका तालाब का सौंदर्यीकरण कहाँ पर है? आपकी नगर प्रशासन की व्यवस्थाएं कहाँ पर है? आपका जो अपराधी का जो मामले बढ़ रहे हैं वो कहाँ पर है? आप कहीं भी हर क्षेत्र में फेल हुए। आपने ये आपके जन घोषणा पत्र कहाँ पर है? आपका अनियमितीकरण का नियमितीकरण जो होना चाहिए था वो कहाँ पर है? यहाँ तक कि जितने भी आज भर्तियां निकली है, जो भर्तियां हुई है अभी ये पिछले 4.5 सालों में, उसमें दुर्ग अन्य जिलों से दुर्ग की कम भर्तियां हुई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी नाकामयाबी। तो उसके बाद आप 18 लाख रुपए का डामरीकरण करवा के काली चादर ओढ़ के आप अपनी नाकामियों पे चादर ओढ़ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। दुर्ग की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, वो सब जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये 6 महीने की जो चुनावी जो आपकी रणनीति है, ये जो नामनीकरण कर रहे हैं वो चुनावी रणनीति है, उसको आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका माकूल जवाब जनता को देगी।